फ्रेंड्स, अगर आप डेली का 1000 रुपीस अर्न करना चाहते हैं तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जाइए, मैसेज कीजिए। ओके, जल्दी से मैसेज कीजिए, मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल समझा दूंगा, जल्दी से मैसेज कीजिए। ओके, तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारा फेवरेट गुजराती सॉन्ग आ चुका है। तो आज ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि अभी एग्ज़ाम चल रही है तो मैं कोई भी वीडियो नहीं क्रिएट करूँगा, पर एग्ज़ाम गई भाड़ में, आज तो ये वीडियो मैं पियानो ट्यूटर पूरा करके ही रहूँगा, क्योंकि इसमें व्यूज़ आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर 0 व्यूज़ भी आती है तो भी मैं ये वीडियो तो क्रिएट करके रहूँगा। ओके, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आज मैंने ये गाना हमारे गुजराती में और मैंने ये पूरा नहीं बजाया तो ये अपमान होगा, मेरे अपमान होगा ये गुजराती वालों के लिए। ओके, तो ये मैं आज पूरे का पूरा पियानो ट्यूटर सबसे पहले करूंगा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए एग्ज़ाम भाड़ में जाए, क्योंकि सबसे पहले ये सॉन्ग हमारे बहुत ही गुजरातियों के करीब है, इसलिए मैं आज का ये वीडियो पूरे का पूरा करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्यूनिंग है हमारी वायोलिन में प्ले करनी है आपको, आपको ट्यूनिंग देख लेनी है। तो देखो, सबसे पहले ट्यूनिंग ऐसे प्ले होती है, ओके, ये ट्यूनिंग आपको ऐसे दो बार प्ले करनी है। अगर बीट के साथ में अगर बजाता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, पर अभी मैं सिंपल ही प्ले कर रहा हूं, आपको बीट के साथ प्ले करना है। तो देखो इसको स्लो में, ओके, सबसे पहले सिंपली ऐसा प्ले करना है। अब मैं आपको फास्ट में प्ले करके दिखाता हूं, ओके, ये हमारी सबसे पहले वायोलिन में हो गई। अब इसके आगे प्ले होगा, मेन लाइन होगी, मतलब अब लाइनें स्टार्ट होगी, तो वो कैसे प्ले होती है चलो हम वो देख लेते हैं। अब जो लाइन सबसे पहले लाइन स्टार्ट होने वाली है वो लाइन है, मेरी सहेली मुझे पूछे मुझे कितना सजन तुझे चाहे तुझे, ओके, ये लाइन है सबसे पहले, और इसको हम पहले स्लो में देख, पहले मैं बजा के दिखाता हूँ, फिर आपको स्लो में ऐसे प्ले करना है। देखो, और ये आपको ऐसे टोटल दो बार प्ले करना है, मेरी सहेली मुझे, ओके, लाइनें मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता नहीं है, क्योंकि सबसे पहला हिंदी वर्जन में, पर मुझे बिल्कुल लाइनें पता नहीं है, पर ऐसा राग में आपको मैंने प्ले करके दिखा दिया। अब इसको स्लो में देखते हैं, ये आपको दो बार प्ले करना है, ओके, तो अभी मैंने एक बार प्ले किया ये वाला पार्ट, अब मैं दूसरी बार फास्ट में प्ले करता हूं, देखो, ओके, ऐसे मैं दूसरी बार भी मैंने फास्ट प्ले कर दिया, आपको दोनों के दोनों लाइन दो बार फास्ट में प्ले कर देना है। अब इसके आगे गाने के आगे की लाइन हम देख लेते हैं, ओके, चलो देख लेते हैं। अब आगे जो लड़के की आवाज आएगी वो अब मैं प्ले करने वाला हूँ, ओके, तो वो लड़के वाली लाइन आप देख के फिर ये देखना, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, वो लाइनें ऐसे प्ले होती है, ओके, अब मैं आपको राग बताता, ओके, अब लाइनें मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं है, तो सिर्फ मैं राग ही याद रखता हूँ। तो
वो वाले जो लाइनें अभी मैंने जो सिंग की वो आप देख लेना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही प्ले होती है। देखो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ स्लो में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बजेगा मेहंदी देवावी मांडवी ने मेरो अंग गायो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। ओके, अब ये लाइन है, मुझे क्यों पता है, क्योंकि ये हमारे गुजराती गरबा की ये लाइन है, तो ये हमें बिल्कुल याद रहेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदी लाइन अभी अभी न्यू ऐड की है ध्वनि भानुशाली ने, तो वो मुझे नहीं पता, पर हमारी गुजराती ये जो मेन कोरस लाइन है ये वाली आगे अब प्ले होती है। तो चलो वो कैसे प्ले होती है चलो हम वो देख लेते हैं। ओके, अब हमारी मेन कोरस लाइन बजेगी और वो कैसे बजती है देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। क्लियर है। अब यही आपको पहले बीट के बिना बजाना है, फिर आपको बीट के साथ बजाना है 2 बार, तो टोटल आपको ये 3 बार बजाना है ये वाली लाइन। ओके, तो अब देखो मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। देखो ओके, मैंने बहुत ही ज्यादा लंबा बजा दिया और वो आपको स्लो में अच्छे से नहीं आया, तो देखो फिर से एक बार। ओके, अब मैं आपको फास्ट में प्ले करके दिखाता हूं। ओके, तो देखो क्लियर है, एकदम क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बीच की लाइन कैसे प्ले होती है। ओके, तो चलो हम बीच की लाइन पे जाते हैं, या फिर कोई बीच में म्यूजिक आता है तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। अब आपको बीच की लाइन प्ले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्यूनिंग प्ले करनी है बीच की लाइन बजाने से पहले। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको ट्यूनिंग प्ले करनी है जो मैंने आपको सबसे पहले वायोलिन में सिखाई थी वो वाली। ओके, तो वो वाली आपको एक बार प्ले कर देनी है, फिर उसके बाद ये गिटार वाली न्यू ट्यूनिंग है वो वाली प्ले करनी है पर वायोलिन के बाद। ओके, तो अब मैं देखो प्ले करने जा रहा हूँ वो वाली ट्यून, तो वो कैसे प्ले होती है देखो। ओके, तो ऐसे प्ले करनी है। क्लियर, मैंने बहुत लंबी ट्यूनिंग प्ले की है। ओके, तो वो आपको ध्यान से देखना है, तो देखो गिटार में प्ले करनी है। यहां पे रुक जाना है, फिर से वही प्ले करना है। ऐसे प्ले करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये मैं मान लेता हूँ कि आपको ये पूरे का पूरा समझ में आ गया है। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके आप फिर से वीडियो देख लेना। ओके, अब चलो बीच की लाइन पे जाते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलो बीच की लाइन पे जाते हैं, बीच की लाइन कैसे प्ले होती है।
अब बीच की लाइन आती है, तो वो बीच की लाइन में ध्वनि भानुशाली का ये आवाज होता है, तो वो कैसा है और कैसे प्ले होता है चलो वो देख लेते हैं। ओके अब मैं राग प्ले कर देता हूँ, राग कैसा है। जन्मो जन्मो का ओके तो इसको मैंने राग बता दिया, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। क्लियर है, इतना प्ले कर दिया। अब इसके बाद मेल आवाज आती है, तो वो मेल आवाज कौन सी है। ओके वो सिंगर का ना मतलब वो सिंगर का नाम मुझे पता नहीं है, पर वो मेल आवाज है, वो कैसे प्ले होती है चलो वो हम देख लेते हैं। अब जो मैं आगे लाइन बजाने वाला हूँ वो मेल वाली मैंने कहा था, वो लाइन हमने पहले बजा ली है, तो वो मैं बजाऊंगा तो आप पहचान जाओगे, तो देखो वो कैसे प्ले होती है। ओके अब इसके बाद तो हमारा मेन कोरस लाइन बजेगी, मेहंदी के बागे मांडवी ने नो रंग लायो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे, तो ये वाली लाइन बजेगी आगे। ओके तो पहले इसको पहले स्लो में देख लेते एक बार। ओके आपको पता है फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम प्ले करेंगे मेहंदी देवांगी, वो वाली मैं लाइन प्ले करता हूँ देखो। ओके तो ये वाली लाइन इसके बाद आपको तीन बार ये प्ले कर देनी है, तो आपको पूरा कवर ये है जो कवर हो चुका है। और मेरी एग्जाम थी तो ये मैंने पूरी 30 मिनट्स मैंने अपने किए, मतलब प्रिपरेशन तो 5 मिनट में हो गई थी पूरे पूरे गाने की, पर मैंने अपने 30 मिनट्स अपने बिगाड़ के आपके लिए ये पियानो ट्यूटोरियल किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओके और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने कहा था कि मैं पियानो ट्यूटोरियल नहीं क्रिएट करूँगा, अगर न्यू सॉन्ग आया तो मैं कर दूँगा, पर ये तो हमारे गुजराती के सॉन्ग थे तो ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये प्ले किया। कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि एंड गुड बाय।